वालेकुम आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे हमने भी प्रीवियसली फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के इंट्रोडक्शन को देखा है कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस बायो एनर्जेटिक्स में ये मेन होते हैं हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में जो भी मेन डिस्कशन थी वो हम कर चुके हैं आज हमने जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिन पिगमेंट्स के साथ होता है जो कि हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं इस प्रोसेस में उनको हमने देखना है हमें ये सारी बातें पता है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट सेल्स में मौजूद एक ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है और दो पोर्शंस में हो रही होती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दो जो हैं वो रिएक्शंस होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हमारे पास वो होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस जो कि लाइट डिपेंडेंट नहीं होते हैं डार्क रिएक्शंस उनको कहा जाता है क्योंकि उनमें लाइट जो है उनकी इन्वॉलमेंट नहीं होती लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क टाइम में होते हैं वो बस लाइट की एब्सेंस में होते हैं तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जो जिनकी जगह जो है हमारे पास लोकेशन क्लोरोप्लास में वो होती है थाइलकॉइड मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपस में क्लस्टर बना लेते हैं द सर्फेस ऑफ थाइलाकॉइड उस पूरे हमारे पास जो सिस्टम को हम कहते हैं फोटोसिस्टम मीन्स दे आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कलस्टर्स एंड इज कलेक्टिवली कॉल फोटो सिस्टम फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कम्पाउंडस और इसे कलर कम्पाउंडस होते हैं कलर कंपाउंडस को हम देखेंगे हम इन्हें कलर कम्पाउंडस क्यों कह रहे हैं और साथ ही साथ ही से हम ऑर्गेनिक कम्पाउंडस भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रजेंट होते हैं ये हमने मेन बातें की हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अब हम पिगमेंट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से मेन पिगमेंट्स इनमें इंक्लूड हैं। अब हमने देखने के कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मेन पिगमेंट्स कौन से हैं और साथ ही साथ इन्हीं पिगमेंट्स में एसेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं तो हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए मेन पिगमेंट्स को हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं और एसेसरी पिगमेंट्स जो उनको हम राइट right साइड पे हमारे पास मेन पिगमेंट्स का मतलब है कि ये मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में यानी जिनकी प्रेजेंस जरूरी है फोटोसेंसिस के लाइट रिएक्शंस में मैं लाइट रिएक्शंस की बात कर रही हूँ क्योंकि फोटोसेंसिस के लाइट रिएक्शन में ही फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये हमारे पास लाइट एब्जॉर्बिंग जो हैं वो पिगमेंट्स होते हैं इन्होंने लाइट को कैप्चर करना होता है और ऑफ कोर्स हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन में लाइट रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व होंगे जिसमें लाइट की इन्वॉल्वमेंट होगी अब ये नेसेसरी हैं इनका मेन रोल है फोटोसिंथेसिस में एसेसरी पिगमेंट्स का अडिशनल रोल होता है इसी प्रोसेस में ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं फॉर मेन पिगमेंट्स तो ये हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात आ गई अब हमारे पास मेन पिगमेंट्स जो हैं उनके हम नाम लिख लें तो वो क्लोरोफिल्स हैं क्लोरोफिल्स आर द मेन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स ये हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं अब क्लोरोफिल्स की भी मज़ीद अगर हम टाइप्स पे जाएं तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स जो कि बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि नाम से ही हमें ये चीज़ पता लग रही है और फाइटो क्लोरोफिल्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स को तो हम स्टडी नहीं कर रहे हमारा जो मेन पर्पस है वो फ़ाइटो क्लोरोफिल्स से है फ़ाइटो क्लोरोफिल्स जो हैं वो प्लांट्स में एल जी में प्रेजेंट होते हैं और इनकी अगर मज़ीद हम टाइप्स पे जाएं तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी फाइटोक्लोरोफिल्स के हमारे पास पिगमेंट्स हैं और इनमें से जो मेन है वो हमारे पास है क्लोरोफिल ए मेन और ये सपोर्टिव रोल ही प्ले करता है इन दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं इनको हम स्टडी कर लेते हैं सबसे पहला डिफरेंस इनका ये होता है अगर हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अगर जनरल बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो मेन पिगमेंट्स हैं ये इनकी दो पोर्शन होते हैं एक हेड पोर्शन हम कंसीडर करते हैं और एक टेल पोर्शन कंसीडर करते हैं ये हम जनरल बात कर रहे हैं तो हेड और टेल पोर्शन होते हैं हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती है हाइड्रोफिलिक हेड कहा जाता है और हाइड्रोफोबिक टेल कहा जाता है हेड की बात करें तो ये स्केयर फ्लैट और लाइट एब्जॉर्बिंग जो है वो साइट होती है हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की और टेल जो है ये एक ऐसा हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है जो कि थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ एंकरेज का, का काम करने में मदद करता है यानी फोटोस पिगमेंट्स हमारे पास लेक्चर के स्टार्ट में जैसे कि हमने देखा कि थाइलोकोइड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी ने डायरेक्ट आके फॉल करना होता है तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो मेन पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल्स जिनकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती उनका जो टेल पोर्शन है उनके स्ट्रक्चर का वो एंकर हुआ होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और हेड पोर्शन हमारे पास स्कीयर फ्लैट और लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है जिस पर लाइट आके एब्जॉर्ब होती है मेन रोल दोनों का ही है ये एंकरेज का काम और ये लाइट एब्जॉर्बिंग जो है वो साइट है अब हमारे पास हेड की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये एक कॉम्प्लेक्स पोरफायरन रिंग बनाता है अब इसकी पोरफायरन रिंग की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो फोर पायरोल रिंग्स जो हैं ये आपस में जॉइंट होती हैं और ये फोर पायरोल रिंग्स कंपोज्ड होती हैं ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स और इनके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है पोर फायरन रिंग के और इसी वजह से अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो येलो लीव्स हो जाएंगे वो अपने ग्रीन कलर को जो है वो खो देंगे और उनका कलर येलो होने लग जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो मैग्नीशियम की होती है इसके पीछे फिर अगर हम बात करें हमारे पास जो हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का उसमें बिल्कुल इसी तरह कॉम्प्लेक्स पोर रिंग्स ही प्रेजेंट होती हैं लेकिन मैग्नीशियम आयन की जगह पर वहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास आयरन इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम आइटम इन देंटर दे अब हमारे पास एक जो का हमारे पास पायरोल है पायरोल रिंग उसके साथ टेल अटैच होती है और जिस हेड के पोर्शन में पायरोल रिंग के साथ टेल अटैच होती है उसे हम फाइटोल कहते हैं तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखनी है अब हम आते हैं दोबारा जनरल बात हम कर चुके हैं क्लोरोफिल्स की क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की तरफ दोबारा चलें तो हमें पता लगता है कि क्लोरोफिल ए का जो हेड है उसके साथ एक साइड चेन अटैच होती है जो कि होती है सी एच थ्री हमारे पास मिथाइल और जबकि हमारे पास क्लोरोफिल बी में जहाँ पर मिथाइल अटैच होनी होती है वहाँ पर अटैच होती है कार्बोनाइल ग्रुप और ये एक मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में उनके हेड स्ट्रक्चर में मौजूद साइड चेंज का कि ये साइड चेंज यहाँ पर चेंज होती हैं जो कि जनरल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हमने डिस्कस किया था हेड पोर्शन को अब हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आएँ तो हमारे पास क्लोरोफिल ए का जो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है वो है सी फिफ्टी फाइव एज सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एम जी ये हमारे पास क्लोरोफिल ए का है मोलिकुलर फार्मूला क्लोरोफिल बी का है सी फिफ्टी फाइव एज सेवेंटी ओ सिक्स एन फोर एम जी ये हमारे पास क्लोरोफिल बी का मॉलिगुलर फार्मूला है तो ये भी डिफरेंस जो है वो क्लोरोफिल ए और बी का मेन है आ, कुछ ऐसे आ, जो है लाइट्स हैं जिनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है तो जिनको कुछ बी करते हैं वो कौन सी लाइट्स हैं तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी लाइट्स हैं जो कि इन दोनों में फ़र्क रखती हैं इन्हीं की वजह से ही इन कुछ वेव जो हैं वो लाइट की क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तो कुछ लाइट की वेवलेंथ क्लोरोफिल बी अब क्लोरोफिल ए की अपीयरेंस जो होती है वो ब्लू ग्रीन होती है ये एक मेन पॉइंट है ब्लू ग्रीन अपीरेंस होती है हमारे पास क्लोरोफिल ए की और ग्रीन येलो अपीयरेंस होती है हमारे पास क्लोरोफिल बी की ये वो लाइट है क्योंकि कुछ जो लाइट पड़ रही होती है वहाँ पास फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स पर कुछ ट्रांसमिट हो जाती है कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है जो ट्रांसमिट हो जाती है वो किसी पर्पस में जो है वो इंक्लूड नहीं होती जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वही क्लोरोफिल्स की अपेयरेंस बन जाती है और जो एब्जॉर्ब होती है वो फोटोसेंथिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है एज सोल एनर्जी सोलर एनर्जी यानी क्लोरोफिल ए जो है जिस लाइट की रेंज को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ब्लू और ग्रीन की रेंज है जबकि क्लोरोफिल बी लाइट की जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ग्रीन और येलो है अपीरेंस फिर हमारे पास क्लोरोफिल्स की वजह से ही आ, हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनकी ग्रीन होती है ब्लू ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल ए का रहा है क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो रिफ्लेक्ट यानी उनका मेन कलर हमारे पास प्लांट्स का ग्रीन ही होता है ऐसा क्यों है क्योंकि ग्रीन कलर डार्कर है एज कम्पेयर टू येलो और वो मास्क कर देता है येलो के इफ़ेक्ट को और अपेयरेंस जो है वो लीव की ग्रीन कलर में आती है इसीलिए क्लोरोफिल्स की डेफिशेंसी हमारे पास येलो येलोइश लीव कॉज करने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अब हमने क्लोरोफिल्स की सारी बातें कर ली हैं अब हम आते हैं कैरोटीनॉइड्स की तरफ जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं और अपना एक सपोर्टिव रोल क्लोरोफिल्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं कैरेटीनॉइड्स की बात कर लें जो कि मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल के लिए एक असेसरी पिगमेंट्स हैं एडिशनल रोल प्ले कर रहे हैं यानी इनकी प्रेजेंस ना हो या हो इस चीज़ का इतना जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर इतना नहीं चेंज आता क्योंकि ये सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं बस ये है कि एनर्जी जो है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रिजेंस कम होती है रिलीज़ जो कि फोटोसिंथेटिक की लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आती हैं कैरेटिनॉइट्स के एबसेंस होने की वजह से वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों तो हमारे पास जो कैरेटीनोइड्स हैं इनकी हम बात कर लें ये वो लाइट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो कि हमारे पास जो दूसरे पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए और बी वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते और इसी वजह से ये एब्ज़ॉर्बन स्पेक्ट्रम की जो है वो ग्राफ को ब्रॉड कर देते हैं क्यों क्योंकि ये वो भी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और बी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अब हमारे पास कौन से कैरेटीनोइड्स हैं कैरोटीनस हैं हमारे पास जेंथोफिल्स हैं ये हमारे पास मेन कैरेटीनोइट्स हैं इनके कलर की बात की जाए तो कैरेटीन्स जो हैं हमारे पास ऑरेंज रेड पिगमेंट्स हैं यानी ये इन कलर की रेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और जेंथोफिल्स हमारे पास येलो पिगमेंट्स हैं यानी ये येलो कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं अब हम बात करते हैं कैरोटीन कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं हमारे पास वो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए के लिए किस तरह से जो हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हैं कैरोटीनॉइड्स हमारे पास जो हैं वो लाइट इंटेंसिटी जो है उसको भी मेंटेन रखते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी जो है कभी इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा भी होती है कभी कम होती है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो लाइट इंटेंसिटी को वो फिर डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट ताकि सोलर इनर्जी जो है उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो उन पर कोई जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट ना आए और कैरोटीनॉइड्स हमारे पास हमारी आइज़ में प्रेजेंट होते हैं कि ताकि जो भी सोलर एनर्जी हमारी आँखों पर फॉल करती है उनकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो कैरेटिनॉइड्स हमारी आई को डैमेज होने से बचा सकें अब हम इनका इन तीनों का कैराटीनोइड्स क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए जिन पिगमेंट्स को हमने स्टडी किया है उनका हम देख लेते हैं कि इनका कलेक्टिवली क्या इफ़ेक्ट होता है और अगर इनमें से कोई एबसेंट हो जाए तो तब क्या एनर्जी में चेंज आएगा जो कि रिलीज होगी एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरोटीनॉइड्स ये कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उन्हें ट्रांसमिट कर देते हैं क्लोरोफिल बी को क्लोरोफिल बी भी कुछ लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं ख़ुद और कुछ जो हैं वो कैराटिनॉइड से जो ट्रांसफिट ट्रांसमिट हुई होती है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और क्लोरोफिल ए को देते हैं क्लोरोफिल ए खुद भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और जो ट्रांसमिट होती है बी क्लोरोफिल से उसको भी एक्सेप्ट करता है और इन द एंड इस सोलर एनर्जी को जो कि हमारे पास लाइट है जो कि ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम केरेडीनाइड्स टू क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल बी टू क्लोरोफिल ए उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोफिल ए ही इन्वॉल्व होगा जो कि लाइट एनर्जी एक्सेप्ट भी कर रहा होगा जो कि ट्रांसमिट हो रही है और साथ ही साथ खुद भी एब्जॉर्ब कर रहा है यानी अगर कैरोटीनॉइड्स एब्सेंट हैं क्लोरोफिल बी भी एब्सेंट हैं तो क्लोरोफिल ए सिर्फ उसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा जो कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो यानी यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी बन रही है ए उसको वो कम बनेगी एज़ कम्पेयर टू दैट वेन कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट तो ये चेंजेज आ रही हैं कि एनर्जी का लेवल कम और ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन में कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल बी के ना होने पर वरना जो है फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और यही वजह है कि अगर कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल भी ना भी हो तब भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस लेकिन इनर्जी कम प्रोड्यूस कर रही होती है ऑक्सीजन भी कम प्रोड्यूस कर रही होती है बिकॉज सोलर इनर्जी कम एब्जॉर्ब हो रही है और पहले हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है में कन्वर्ट होते हैं और ए और एन बनाते हैं ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के सारे हमने पढ़ने हैं ये इन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे आज का हमारा मेन टॉपिक था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो कि हमारे पास मेन एजेंट्स हैं मेन हैं फ़ॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस जिनके बगैर फोटोसेंथिस हो ही नहीं सकती और हमने ये डिस्कस किया कि इनके मेन और एसेसरी पिगमेंट्स क्या हैं इनकी डिफिशेंसी से लीव के कलर पे क्या इफेक्ट आ सकता है तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी इंशाल्लाह कल हम सोलर एनर्जी पर बात करेंगे क्योंकि सोलर एनर्जी भी जिस तरह फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसेंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो सोलर एनर्जी भी हमारे पास एक बहुत ही एक क्रूशल प्ले कर रही होती है रोल उसको हम इंशाल्लाह कल कर डिस्कस करेंगे आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे शुक्रिया